हेलो दोस्तों, स्वागत करता आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओल जी के एजुकेशन में। देखे फ्रेंड, कौन बने करोड़पति 2023 के रजिस्ट्रेशन चल रही है अभी। तो दोस्तों, आप लोग जानते हो कि दोस्तों दो दिन हो चुका है और आज तीसरा दिन है। आज रात 9 बजे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन दोनों दिन में दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे दोस्तों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, उसका वीडियो हम ज़रूर लाएंगे। आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जिस जिन साथियों का प्रॉब्लम हुआ है रजिस्ट्रेशन करने में, और दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि क्या एक सिम कार्ड में सोनी लिप ऐप और SMS दोनों में आंसर दे सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक मोबाइल में कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, जो कि तीसरे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, पिछले साल के सिम नंबर से क्या इस बार भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों सवाल आपके दोस्तों पूछे गए सवाल है। तीन तीनों क्वेश्चन का जवाब देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग फुल देखें, तभी आप लोग को दोस्तों तीनों का सवाल जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर करते वीडियो को शुरू करते। उनसे पहले जिन जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही रिलेटिव आप लोगों को वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर करते शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड, जो कि पहला सवाल पूछे है आपने, क्या एक सिम कार्ड से सोनी लिप ऐप और SMS दोनों में आंसर दे सकते हैं कि नहीं। तो आप सभी लोग को बता देते हैं दोस्तों, सोनी लिप एप्लीकेशन में या SMS के थ्रू आप लोग कोई भी दोनों में से एक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सोनी लिप ऐप से आप लोग यदि करते हैं तो आप लोगों को SMS ना करें दोस्तों, और SMS यदि आप लोग करते हैं तो आप लोग सोनी लिप का ना प्रयोग करें। तो इसके दोस्तों आप लोगों को इसलिए बता देते हैं कि यदि सोनी लिप एप्लीकेशन में आप लोग करते हैं तो आप लोगों का दोस्तों रिकॉर्ड हो जाता है, वहाँ पर कंप्यूटर पर रिकॉर्ड हो जाता है। KBC वाले आप लोगों को देख लेते हैं कि आप लोग सोनी लिप एप्लीकेशन पर कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर SMS के थ्रू आप लोग कर रहे हैं। इसी के कारण दोस्तों आप लोगों को एक करना है, सोनी लिप एप्लीकेशन के माध्यम से या SMS के दौरान, दोनों ना करें दोस्तों। और आप लोग यदि पूछते हैं कि सबसे बेस्ट क्या है, सोनी लिप एप्लीकेशन या SMS, तो दोस्तों हमारे तरफ से जानकारी मिला है कि सबसे ज़्यादा सोनी लिप एप्लीकेशन में जो रजिस्ट्रेशन करता है, सही जवाब देते हैं दोस्तों, उन्हीं सभी साथियों का ज़्यादा से ज़्यादा कॉलिंग किया जाता है IVR कॉल के दौरान। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड का प्रयोग करें, सोनी लिप एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। यदि आपके पास कीपैड मोबाइल है तो आप लोग दोस्तों सोनी लिप एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग SMS ज़रूर करें। लेकिन ऐसे बात नहीं है कि SMS के दौरान आप लोग रजिस्ट्रेशन करने से आप लोगों को IVR कॉल नहीं आए, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में सोनी लिप एप्लीकेशन के माध्यम से ज़्यादा कॉलिंग किया जाता है IVR कॉल, इसलिए आप लोग किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से करें, सोनी लिप एप्लीकेशन के माध्यम से या SMS के दौरान एक आप लोग उपयोग करें दोस्तों। तो आप लोगों को पहला का सवाल पूछा गया सवाल आप लोगों को सही जवाब मिल चुका है दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को जवाब मिल चुका है। चलिए अब दूसरा जो क्वेश्चन है, एक मोबाइल में कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते। तो दोस्तों, एक मोबाइल में आप लोग कितने भी कर सकते हैं, जितने मर्जी आप लोग कर सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का मोबाइल तो एक रहेंगे लेकिन सिम कार्ड आपको अलग अलग रहना चाहिए, तभी आप लोग दोस्तों कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों का सिम कार्ड एयरटेल या दोस्तों जियो कोई भी हो, आप लोग अलग अलग सिम कार्ड नंबर चाहिए, तभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगा, एक सिम कार्ड में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग कि एक मोबाइल पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिम कार्ड प्रयोग करके दोस्तों आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका परिजन या आपका दोस्त कोई भी हो दोस्तों, आप लोग अलग अलग सिम से रजिस्ट्रेशन करें,
लेकिन सोनी लिव एप्लीकेशन आप लोग यदि एक मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन है फिर भी दोस्तों हो जाएगा। आप लोग लॉग आउट करें, फिर लॉगिन करें दूसरे नंबर से, और लॉगिन करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करें तो आप लोगों सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अलग अलग मोबाइल नंबर आपको रखना है दोस्तों, और एक मोबाइल रहने से भी हो जाएगा, लेकिन अलग अलग आपको नंबर रखना है सिम कार्ड। तो दूसरा सवाल भी आप लोगों का दोस्तों क्लियर हो चुका है, आप लोगों का जवाब मिल चुका है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों का पूछा गया है, पिछले साल के सिम नंबर से क्या इस बार भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी पिछले साल जो आप लोग सिम कार्ड का उपयोग किया था, कोई भी हो दोस्तों, एयरटेल हो या जियो हो या बीएसएनएल हो या जो भी दोस्तों कोई भी कंपनी का सिम कार्ड हो, आप लोग अगले साल जिस नंबर पर आप लोग रजिस्ट्रेशन किए थे उसी नंबर से आप लोग इस बार भी 2023 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका दोस्तों तीनों क्वेश्चन का सवाल। और एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि यदि आप लोग कौन होना कड़ापति केबीसी मराठी का दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया है उसी सिम कार्ड से, तो आप लोग कौन बने कड़ापति का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तीन बातों को ध्यान रखें दोस्तों, ये तीन बातों का आप लोगों को क्लियर हो चुका है डाउट क्लियर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों का टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।